फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक के जिला अध्यक्ष ब्रज मोहन की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में बृहस्पति बार को किसान नेता और पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान किसान नेताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया। प्रमुख मांगों में किसानों को ट्यूबवेल वाली बिजली रोस्टर के हिसाब से 12 घंटे मिलनी चाहिए। सभी साधन सहकारी एवं रजिस्टर्ड खाद दुकानों के स्टॉक चेक कर किसानों को भरपूर मात्रा में डीएपी एवं यूरिया उपलब्ध कराई जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही बीज वितरण योजना के अंतर्गत आने वाले बीज आलू मिर्च प्याज आदि भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। ब्लॉक हथवंत परिसर में शोपीस खड़े फ्रीजरों को चालू कराकर किसानों को पेयजल उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण कराया जाए, जिससे किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। सभी मांगे पढ़कर सुनने के बाद किसान नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर एसडीएम ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि उनके ज्ञापन को उचित स्थान पर पहुंचाकर किसानों की समस्या का शीघ्र समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में डीके यादव, अविदेश, योगेश, ओपी यादव, विजय यादव, हेमेंद्र, राजवीर सिंह, पुष्पेंद्र, अंशुल, मंजर सत्येंद्र, राजेंद्र, गौरव, सचिन और विजय सहित लगभग 50 किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह है क्या मामला? देखिए, ये हमारे भारतीय किसान यूनियन के सावित्री के पदाधिकारी गण आए हुए हैं और आज इन लोगों ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जो भी ज्ञापन है किसान भाइयों का, वो सब जेन्युइन है और कृषि के हित में है। तो मैं प्रयास करके और जो भी ज्ञापन में मांग रखी गई है, जैसे कि ट्यूबवेल के लिए बिजली उपलब्ध कराना, समय से खाद बीज उपलब्ध कराना, डेंगू के लिए छिड़काव कराना, ये सब जेन्युइन मांगे हैं और सब पे कार्य हो रहे हैं और इसको अच्छा करा करके किसान भाइयों की मांगों को पूरा करा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।